चारों तरफ बर्फ और हार्ड कपा देने वाली ठंडी हवा के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन का यह वीडियो 20 अप्रैल का है, जब बर्फ में फंसे एक पर्वतारोही को बचाने रेस्क्यू टीम पहुंची और एक गुफा नुमा दरार में बर्फ में फंसे शख्स को बाहर निकाला, जो पिछले 60 घंटों से बिना कुछ खाए पिए बेहोश पड़ा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि चाको राखे साइयां मार सके ना कोई। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन का यह वीडियो राजस्थान के किशनगढ़ जिले के रहने वाले पर्वतारोही अनुराग मालू का है, जो माउंट अन्नपूर्णा से लापता होने के 3 दिन बाद 20 अप्रैल को सही सलामत मिल गया। 6000 फीट गहरी खाई में फंसे भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालू को रेस्क्यू किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बता दें कि यह वीडियो रेस्क्यू करने वाली टीम ने बनाया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अनुराग मालू गुफानुमा एक दरार में फंसे हुए दिख रहे हैं। वे बेहोशी की हालत में ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे। रेस्क्यू टीम के मुताबिक सबसे पहले रेडियो सिग्नल के माध्यम से मालू का लोकेशन ट्रेस किया गया, फिर अनुराग मालू को रेस्क्यू कर उन्हें पोखरा के मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके भाई ने बताया कि उनकी हालत नाजुक है। He is found alive. He has been taken to the hospital into the critical stage. He is in very critical stage, but he is still alive. He is in critical stage. Thank you, everyone. We will have to change our focus and direction to medical side. I'll post the updates as soon as I have more updates. Thank you, everyone. इसके अलावा रेस्क्यू टीम ने दावा किया है कि फिक्स रूप से अनुराग का सेल्फ एंकल हट गया होगा, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई होगी। वहीं अनुराग के साथियों की माने तो टीम के 22 लोग अलग अलग चढ़ाई में थे, ऐसे में जिस समय यह हादसा हुआ उन्हें उस समय नहीं निकाला जा सका। बता दें कि अनुराग मालू 24 मार्च को नेपाल के लिए रवाना हुए थे। वे 17 अप्रैल की सुबह माउंट अन्नपूर्णा के कैंप 3 से उतरते समय लापता हुए थे। जिस वक्त हादसा हुआ वे समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर थे। एक्सपर्ट की माने तो माउंट अन्नपूर्णा दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, जहां माउंटेनियरिंग करना आसान नहीं है। यहां जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। Oh.